श्रीमचक्रधरासिनी श्रुतिवच पीयूषपूर्णप्रभा पाथोदपथिवान्तमन्तरपरे श्रान्तस्य लोकस्य य स्फुरजित भीमभवाटवी समतट स्तम्नागदेवं सदा सारा सार विचार सुंदर के राम पारंगतम नौम्यम पारंगतम नौम्यम श्री गोपाल कृष्ण महाराज सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार जिनकी दिव्यांग कांति अनंत सूर्यों के प्रकाश को भी कम कर देती है एवं जिनकी वाणी के अंदर लालित्य पाया जाता है ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदुओं को स्पर्शित करते हैं। उसके पश्चात जिस अवतार ने हमें साधन प्रदान किया एवं साध्य प्रदान करेंगे ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों को स्पर्शित करते हैं। सभी अपने अपने गुरुओं का स्मरण कीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी धर्म कर्म को करने के लिए बैठें वो स्मरण रहे, अध्ययन रहे, पठन रहे, कोई अन्नदान की क्रिया रहे या कोई भी क्रिया हम करने के लिए जब उद्यत हो तो अपने अपने गुरुजनों को एक स्मरण अवश्य किया कीजिए। तो हम अपने अपने गुरुजनों को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए श्रीमद् उद्धव गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर ऋषि श्रृंग का दृष्टांत हमने पढ़ा, बालक का दृष्टांत हमने पढ़ा और अब भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी एक कुवारी कन्या को निमित्त करके हम सबको उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो कुवारी कन्या कैसी है? शादी के योग्य हो चुकी हुई है और लड़के वाले उस कन्या को देखने के लिए उसके घर आए हुए हैं। घरी जिया सांकड़ी ते माय बापा बाहरी इंडी मनोनी नोवरी ची पाटू पीढ़ी बैसो खाली। अब वो लड़की अकेली घर में है, उसके जो माता पिता हैं वो किसी काम के निमित्त बाहर गए हुए हैं, किसी घर की कोई समस्या है या घर का कोई व्यापार है उसके निमित्त बाहर गए हुए हैं। तो उस लड़की ने क्या किया, जो मेहमान आए हुए हैं उन मेहमानों के स्वागत के लिए उन्हें पीढ़ी दी, पीढ़ी अर्थात चौकी, और उनको पांव धोने के लिए पानी भी दिया और उनका बैठने का प्रबंध किया। उसने एक क्षण के अंदर ये नहीं बोला कि आओ अंदर आ जाओ, पहले आतिथ्य सत्कार जो कहा जाता है, जो गृहस्थ धर्म के अंदर विशेष एक विधि कही जाती है अतिथि के सत्कार की, उस कन्या ने पहले अतिथि सत्कार किया और अतिथि सत्कार करने के पश्चात क्या करती है, उनको बैठने के लिए जो चटाई इत्यादि है वो प्रदान कर देती है। तेत बैसले वरहाड़ी नोवरी स्वरूप दंडी तियाचिया सिंहानी वे चीरुड़ी मान ली तया। तो जब वो लड़के वालों ने देखा कि ये जो लड़की है वो कैसी है, देखने में भी सुंदर है और इसने जैसा हमारा आतिथ्य सत्कार किया हुआ है इससे क्या है प्रतीत होता है कि ये समझदार है, वो खुश हो गए कि लड़की काम करने में भी चतुर है, आए गए का स्वागत करने में भी चतुर है
और देखने में भी सुंदर लगती है, ऐसा उन्होंने अपने मन में विचार कर लिया। जानूनी आपलापति करू त्या कराव्या पाउनुरु करू आदरिलाव्या पारू घरांतु। अब जब घर में कोई अतिथि आ जाए तो हम क्या करते हैं कि उसे खाने पिलाने के लिए कुछ अवश्य देते हैं। तो लड़की ने मन में विचार किया कि मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं, इनका कुछ आतिथ्य और होना चाहिए। तो उसने क्या किया, वो घर में गई, रसोई में गई और कुछ बनाने के लिए वो प्रयास करती है, उद्यम करती है। तांदुल करावया साली तिया कांडिता उखली आघाती संखाची कड़ी वाजती साली। जब रसोई के अंदर वो पहुंचती है, कुछ चावल आटा इत्यादि उसने देखा कि घर में कौन सा पदार्थ है जो बनाकर मैं इन्हें खिला सकूं, तो घर में जब देखती है तो घर में कोई भी पदार्थ बनाने लायक नहीं था, केवल क्या पड़ा हुआ है, धान। जिस चावल को धान लगा हुआ है अभी कूट कर उसे साफ करना है, ऐसे वो धान युक्त चावल वहां पर पड़े हुए हैं, तो अब उसे कूटने का काम करना है। और उसने क्या किया, वो उखली ली, उसमें चावल डाले और अपने हाथों से उन चावलों को कूटने के लिए उसने उद्यम शुरू किया। तो जैसे ही उसने उन चावलों को कूटने का उद्यम शुरू किया तो क्या हुआ, उसके हाथ में जो चूड़ियां उसने डाली हुई थी वो आवाज करने लगती हैं। देवली लाजली जीवी मग एक एक पिछवा दो दो रवि तरी धवनी न पारुके। तो जब चूड़ियों ने आवाज करना आरंभ किया तो वो लड़की मन में विचार करती है कि मेरी चूड़ियों की आवाज सुनकर ये ससुराल वाले क्या बोलेंगे कि इनके घर में एक समय का भोजन भी नहीं है, अर्थात ये इतने गरीब हैं और उन्हें शायद ये बात पसंद ना आए, वो रिश्ता तोड़ करना चले जाएं। तो इसीलिए वो क्या करती है, अपनी चूड़ियों को तोड़ देती है। केवल दो दो चूड़ियां उसने अपने हाथ में डालकर रखी हुई है ताकि चूड़ियों की आवाज बंद हो जाए। लेकिन क्या हुआ, वो दो चूड़ियां जो हाथ में डाली हुई हैं वो भी आवाज करती हैं, उनकी आवाज भी धीरे धीरे आती ही रहती है। तेवली एक एक भंगी एक एक उर्वी तनवंगी मग ठाकली उंगी न बचती ची। तो उसने क्या किया, जो दो चूड़ियां थी उसमें से एक एक चूड़ी फिर तोड़ दी और अब क्या है, वो चूड़ियां कैसी हैं, एक एक रह गई हैं। अब वो धान कूट रही है और चूड़ियों की जो आवाज है वो बंद हो चुकी हुई है। तो ये यहां तक परमात्मा ने एक दृष्टांत दे दिया कि कुंवारी कन्या के घर में ससुराल वाले आए हुए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, धान कूट रही है, चूड़ियों की आवाज आ रही है, उसने अपनी चूड़ियां तोड़ दी। अब इसका दृष्टांत देकर परमात्मा हमें समझाना क्या चाहते हैं वह अगली ओवी के अंदर परमात्मा बतलाते हैं। बहुतांचा मिली एक मेका उपज कड़ी दोगा अस्ता जवली गोष्ठी घड़ी। तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि वैसे ही जैसे बहुत सारी चूड़ियां थी और उनकी आवाज से कलह उत्पन्न हो रहा है, आवाज उत्पन्न हो रही है, शोर उत्पन्न हो रहा है, वैसे ही जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा, कलह और शोर ही मिलेगा, उसके अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और यदि दो व्यक्ति रहेंगे तो वो दो व्यक्ति क्या है, आपस में वार्तालाप करते रहेंगे, आपस में बात करते रहेंगे, लेकिन धर्म वो नहीं कर सकते। बहुत अधिक होंगे तब भी धर्म नहीं कर पाएंगे, दो होंगे तब भी धर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है,
एकला विजया। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ब्रह्म विद्या शास्त्र में सूत्र पाठ में वचन उच्चारित करते हैं कि साधक को अकेला रहना चाहिए और जो साधक अकेला निवास करता है वो विजय प्राप्त कर जाता है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के लिए परमात्मा ने अलग आचार बतलाया कि स्त्रियों को अकेले नहीं रहना चाहिए। स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, दो या चार स्त्रियां हैं वो इकट्ठी रह सकती हैं, ऐसे परमात्मा ने आचार बतलाया हुआ है। संसार त्रस्तु अनुतापी जो एकला जन्म क्षेपी तो मोक्षाचा निक्षेपी संपन्नो होए। तो वैसे ही सबसे पहले संसार से त्रसित होकर आचरण परमात्मा यहां पर बतलाते हैं क्या करना है। संसार का परित्याग करके और परमात्मा की अनन्य गति शरण लेकर अपने किए हुए पापों के ऊपर पश्चाताप करते हुए क्या है, जीवात्मा को अकेले रहना चाहिए। और अकेले रहकर क्या है, अपने आचरण का जो भी विभाग उसे उसका चल रहा है, स्मरण चल रहा है, अन्नदान चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, उसे वो करना चाहिए। जिस तरह जो जमीन के अंदर पैसा किसी ने छुपा कर रखा होता है तो उस पैसे को ढूंढने वाले क्या करते हैं, अपनी आंखों के अंदर विशेष प्रकार का अंजन लगाते हैं, काजल लगाते हैं, तो वो उस काजल को लगाकर ढूंढते हैं कि कहां पर पैसा छुपाया हुआ है। क्योंकि आज भी आप देखिए, जब हम बोरिंग करवाते हैं, बोर करवाते हैं पानी के लिए, तो किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है और वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी आंखों से देखता है कि यहां पर पानी है कि नहीं, यहां पर पानी है कि नहीं, ऐसे देखने का प्रकार बतलाया जाता है। तो वैसे ही सिद्धांत पक्ष के अंदर साधक को क्या है, जिसको मुक्ति की इच्छा रहती है, जो मुक्त होना चाहता है, यह आचार प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है। जो मुक्त होना चाहता है, जिसे परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है, उसके लिए क्या है, उसे अकेला जीवन व्यतीत करना चाहिए, फिर उसे मोक्ष रूपी धन प्राप्त अवश्य हो जाता है, ऐसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी यहां पर बतलाते हैं। मनोनी एकाकिता संगी साधा विवितरागी गुरुत्व या प्रसंगी कहो मारीचे। इसलिए भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी क्या कहते हैं कि संसार की प्रीति नष्ट करके संग रहित होकर साधक ने अकेला रहना चाहिए। पहले क्या है, जो मन संसार के अंदर लगा हुआ है उस मन को संसार से हटाना है और संग रहित होकर, संग कहा जाता है मोह ममता को, आसक्ति को, आसक्ति से रहित होकर साधक ने अकेला रहना चाहिए। ये शिक्षा भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी उस कुंवारी कन्या से ग्रहण करते हैं, इसीलिए भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने उसे अपना गुरु धारण किया हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। सेलारा गुरु केला उजर तिरा सरु नेन जीराओ स परिवारु दारे जातू। अगला गुरु भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी उस व्यक्ति को बनाते हैं जो शस्त्रों को धार लगाने का काम करता है, जो तलवार को धार लगाने का काम करता है, या जो तीर को नोक बनाने का जो काम करता है, उसका दृष्टांत परमात्मा यहां पर बतलाते हैं। तो दृष्टांत कैसे है कि एक व्यक्ति जो शस्त्रों को धार लगाया करता था, तो वो क्या करता है कि बाण को लेकर उसको तीखा कर रहा है, और तीखा करते करते क्या हुआ, उसके दरवाजे से राजा की सवारी जाती है, लाखों हाथी चले गए, लाखों घोड़े चले गए, बाजे गाजे के साथ वो राजा की सवारी चली जाती है। तो सवारी जाने के बाद किसी एक व्यक्ति ने आकर पूछा, भाई यहां से राजा की सवारी गई थी, वो किधर गई? तो वो व्यक्ति क्या कहता है, मुझे पता ही नहीं है।
अर्थात कि वो व्यक्ति अपने काम के अंदर, अपने कार्य के अंदर इतना तल्लीन हो चुका है, बाहर क्या हुआ, कौन आया और कौन चला गया, उसे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं है। चित्त विगुंतले सरे मनोनी दुजे नास्फुरे त्याही निपुटारे काई ईश्वरु स्मरण। तो वो जो सिलारा है, बाण को तीखा करने वाला व्यक्ति है, वो एक साधारण काम के अंदर इतना तल्लीन हो चुका है कि बाहर हुआ क्या उसे किसी बात की बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो परमात्मा का जब स्मरण किया जाता है तो हमारा मन बाहर के क्रियाकलापों में क्यों जाता है, अर्थात हमारी जो वृत्तियां हैं वो कैसी हैं, बाह्य मुखी हुई पड़ी हैं। जब तक वो वृत्तियां अंतर्मुखी नहीं होगी तब तक आपका स्मरण आपका साध्य नहीं हो सकता। तो परमात्मा यहां पर यही बतलाते हैं कि जब तक आप अपने मन को भोग विलास से, बाह्य पदार्थों से शांत नहीं करोगे तब तक आपको स्मरण साध्य नहीं हो सकता। आप परमात्मा को याद करने के लिए बैठोगे, स्मरण करने के लिए बैठोगे, लेकिन आप स्मरण नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका ध्यान बार बार बाहर जाएगा। अभी बाहर किसी की आवाज आए तो आधे लोग तो उठ के बाहर चले जाएंगे, बाहर क्या हो गया। अर्थात वृत्तियां कैसी हैं, अभी बाह्य मुखी हैं। वृत्तियां अंतर्मुखी जब हो जाएंगी, जैसे वो बाण बना रहा है, वो अपने काम में इतना दक्ष हो चुका हुआ है कि उसे बाहर की किसी वस्तु में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो परमात्मा उस व्यक्ति को निमित्त करके हमें यही शिक्षा देते हैं कि जब भी स्मरण करने के लिए बैठो तो सब कुछ भूल जाओ उसमें। चाहे आधे घंटे के लिए आप बैठ रहे हो, एक घंटे के लिए आप बैठ रहे हो, आप अपनी वृत्तियों को अपने अंतर्मुख कर लो। आपका एक ही ध्यान होना चाहिए कि मैं स्मरण करने के लिए बैठा हुआ हूं, इसके अतिरिक्त दूसरे किसी काम के अंदर आपकी इच्छा और आपका ध्यास नहीं होना चाहिए। मनोनी सैनासन भोजनी परमेश्वरु स्मरावामनि लक्षण संडावे मुनि सेलारे आची परी। तो परमात्मा इस व्यक्ति को निमित्त करके हमें शिक्षा क्या देते हैं, मनोनी अर्थात इसीलिए जीवात्मा ने क्या करना चाहिए, शयनासनी जब जीवात्मा सोने के लिए बैठे, भोजनी जब भोजन करने के लिए जीवात्मा बैठे, उस समय परमात्मा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। आप दिन भर में स्मरण करते हो या नहीं करते हो वो बात की बात, लेकिन जब भी आप भोजन करने के लिए बैठो तब परमात्मा को अवश्य याद करना। जब आप थके हुए हो, आप सोने के लिए बैठे हुए हो, तो आपने उस समय भी परमात्मा को अवश्य याद करना है, क्योंकि ये समय कैसा है, परमात्मा अवश्य भूल जाते हैं। भूख लगी है और भोजन हमारे सामने आ चुका हुआ है, और जब तक हम भोजन को ग्रहण नहीं करते हमें शांति नहीं मिलती, उस समय हम परमात्मा को भी भूल जाते हैं। नींद आई हुई है, हम उस नींद के आवेश में बहुत जल्दी सो जाते हैं, इसलिए परमात्मा यहाँ पर क्या बोलते हैं कि कभी भी शयनासन के समय, भोजन के समय परमात्मा को विस्मरण नहीं करना चाहिए। जैसे वो सेलारा व्यक्ति है, वो बाण बनाने वाला व्यक्ति है, उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जैसे वो अपने लक्ष्य को अंदर, उसने अपने आप को इतना अंदर डाल दिया हुआ है, वैसे ही जीवात्मा को क्या करना चाहिए, अपने धर्म के अंदर इतना अधिक अंदर चला जाए कि उसे बाह्य पदार्थों की कोई अपेक्षा भी ना रहे। अतः स्मरण करने के लिए, अपने कार्य के अंदर ध्यास करने के लिए मैंने उस बाण बनाने वाले व्यक्ति को अपना गुरु माना हुआ है। आपुला आहारु
जानो ने दी विहारु ये अर्थी सरकु गुरु मियाँ केला। अब भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि मैंने सर्प को अपना गुरु माना हुआ है। तो सर्प को भगवान जी अपना गुरु क्या मानते हैं कि सर्प क्या होता है? अपना आहार और व्यवहार। सांप कितनी वस्तु खा रहा है, कहां निवास करता है, कहां पर रहता है, इसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं रहती है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सर्प को मैंने अपना गुरु माना हुआ है, आप खाते कितना हो ये भी किसी को नहीं बताना। ये परमात्मा ने सांप से गुण ग्रहण किया। और हम अक्सर क्या करते हैं, खाने से पहले आज के समय के अंदर खाना कुछ भी खाएंगे पहले उसकी जो स्टोरेज होती है वो वीडियो डाल देते हैं। पहले हम बतलाते हैं कि आज हम ये खाने के लिए उद्यत हुए हैं, आज हम ये खा रहे हैं, आज वो खा रहे हैं। विहार हमारा वर्तन कैसा है ये भी किसी को नहीं पता होना चाहिए। लेकिन कहने के लिए क्या है, नई नई शादी हुई पड़ी है, दूल्हा दुल्हन कहीं बाहर गए हुए हैं मौज मस्ती करने के लिए, उसका भी वर्णन मोबाइल के ऊपर किया जा रहा है। ये बाहर की बात क्या करें, अपने ही कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो गुप्त रखने वाली बातें होती हैं वह भी हम फोन के माध्यम से एक दूसरे को बतलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन परमात्मा सांप को निमित्त करके यहाँ पर क्या कहते हैं, आहार और व्यवहार। आप कितना धर्म करते हो, आप कितना स्मरण करते हो, या आपकी दिनचर्या क्या है, आपका भोजन कितना है, ये दूसरे व्यक्ति को नहीं पता होना चाहिए। इसलिए भगवान जी ने सांप को अपना गुरु धारण किया हुआ है। जलांत सोधुनी गाडू रे लोक रचिति मंदिरे केवली जाति शरीरे हे जानती ना। और सांप का दूसरा गुण क्या रहता है, सांप कभी भी अपने रहने के लिए घर नहीं बनाता, वो किसी के द्वारा बनाए हुए घर के अंदर निवास करता है। इसलिए भगवान जी यहां पर क्या कहते हैं कि मनुष्य क्या करेगा, सबसे पहले किसी जमीन को खरीदेगा, जमीन को खरीदने के बाद वहां पर पानी की व्यवस्था करेगा, बोरिंग इत्यादि करवाएगा, फिर वहां पर क्या है कंस्ट्रक्शन करवाकर बड़ा घर बनाएगा। और उस घर को बनाते 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 उसका समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति ने यह विचार नहीं किया कि मेरा ये जो शरीर है ये किस समय नष्ट हो जाएगा, कब नष्ट हो जाएगा, इसका ध्यास उसे कभी नहीं रहता। वो नए नए मकान को बनाने में जरूर लगा हुआ है, नए नए क्रियाकलापों के अंदर जरूर लगा हुआ है, लेकिन हमारा शरीर कब किस समय नष्ट हो जाएगा, कैसा नष्ट हो जाएगा, आज नष्ट होगा, कल नष्ट होगा, परसों नष्ट होगा, इसके विषय में किसी को भी चिंता नहीं है। पक्षी रचिति आविशाले वो लंबे वावरुले मुखरचिते बिले बहुते कष्टे। पक्षी क्या करते हैं, छोटे छोटे तिनके उठाएंगे और उन तिनकों को लेकर अपना घोंसला बनाते हैं। दीमक क्या करती है, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करेगी, दीवार के ऊपर उस मिट्टी को लगाकर धीरे धीरे अपना मकान बनाती है, अर्थात कष्ट पूर्ण अपने रहने का स्थान बनाया जाता है। चूहा क्या करेगा, वो भी धीरे धीरे कुरेद कुरेद के बिल बनाएगा और उस बिल के अंदर वो निवास करता है, अर्थात रहने के लिए इतना कष्ट किया जा रहा है। मुंगिया रचिति धवे खोपे सावजे सापे ऐसे व्यापारती अगवे जीवित देवनी। और चींटियां क्या करती हैं, चींटियां भी थोड़ा थोड़ा कुरेद कुरेद के अपने रहने का स्थान बनाती हैं। आपने देखा होगा कहीं पर आप गुड़ रख दीजिए
तो चींटियां क्या करेंगी, उस पलस्तर को भी धीरे 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 या मिट्टी को भी धीरे धीरे कुरेद के या जमीन को कुरेद के चींटियां बाहर आ जाती हैं। और पशु क्या करते हैं, जमीन के अंदर अपना कुछ गुफा इत्यादि बनाकर रहने के शौकीन होते हैं, जैसे शेर गुफा इत्यादि बनाकर रहता है। तो इसी प्रकार कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक जीवात्मा अपने निवास को लेकर चिंतित है, अपने मकान को लेकर चिंतित है कि मैंने मकान बनाना है, घर बनाना है, ऐसा सभी चिंता करते हैं। ग्रहालंबालागी हिंसा आंग विजे जगी आयतारिगी जे भुजंगी न व्यापारता। तो सभी प्राणी अपने रहने के लिए घर बनाकर अपने ऊपर क्या करते हैं, हिंसा का जो पाप है वो ले लेते हैं, क्योंकि जब जमीन कुरेदी जाएगी उसमें हिंसा होगी, गारा बनाया जाएगा उसमें हिंसा होगी, बिल्डिंग बनेगी उसमें हिंसा होगी। तो जीवात्मा घर को बनाने के अंदर कितनी हिंसा करता है और उस हिंसा का पाप उसे भोगना ही पड़ता है। तो किसी प्रकार का उद्यम मकान बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे सांप अपना मकान कभी नहीं बनाता, किसी के द्वारा बनाए हुए मकान के अंदर जैसा भी हो वो उस मकान के अंदर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर देता है, तो जीवात्मा को क्या करना चाहिए, स्वतंत्र रहने के लिए कष्ट नहीं करना चाहिए। अब आप यहां पर बोलोगे कि मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन ऐसी वस्तुएं हैं किसी भी गृहस्थ को इसकी आवश्यकता रहती ही रहती है। तो परमात्मा यहां पर ये निवेदन नहीं करते कि मकान बनाओ ही मत, परमात्मा निवेदन क्या करते हैं, जिस स्थिति के अंदर, जिस मकान के अंदर आप निवास करते हो, यदि वो आपको सुलभ है तो उसी के अंदर निवास करो, अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ नया बनाने की आपको आवश्यकता नहीं। परमात्मा ये क्यों कहते हैं, क्योंकि कलयुग के अंदर क्या है, आसुल विसुल हिंसा जी, कलयुग के अंदर यदि आप अपनी आंखों की पलकों को भी झपकते हो तो आपको पाप लग रहा है, आप सांस ले रहे हो, हम बोल रहे हैं, इसका भी पाप लग रहा है। लेकिन पलक झपकनी पड़ेगी, सांस भी लेनी पड़ेगी, शरीर को हिलाना भी पड़ेगा, ये कार्य कैसे हैं हम इसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन परमात्मा यहां पर बतलाते हैं कि जिन व्यर्थ कार्यों को हम रोक सकते हैं उन्हें रोकना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, हमारे शौक ऐसे हो चुके हुए हैं कि हम उन शौकों के ऊपर चलते हैं जो कार्य नहीं करने चाहिए, जो सिद्धांत भी नहीं करता, कोई व्यक्ति भी नहीं बोलता, पर हमारे मन में आता है कि हम वो करें, हमारा ऐसा ऐसा शौक होता है, वैसा शौक होता है। लेकिन परमात्मा यहाँ पर घर को भी लेकर क्या बोलते हैं कि घर बनाने की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो हमारी इच्छाएं कैसी होनी चाहिए, जो धर्म रूपी हो, जो भी इच्छा आप करो वो धर्म रूपी इच्छा करो। आपका कुछ खाने का मन हुआ, वो इच्छा कैसी है वो भी मैं आपको बतलाता हूं। मान लीजिए आपका कुछ विशेष पदार्थ खाने की इच्छा हो रही है, तो परमात्मा ने बोला हुआ है कि जीभ के वशीभूत नहीं होना, तो आप साधु संतों को पंगत कीजिए, जिस पदार्थ की इच्छा आपको हुई परमात्मा को भोग लगाइए, मंदिर जाइए, आश्रम में जाइए, सबको खिलाइए और परमात्मा का प्रसाद रूप में उस पदार्थ को आप खाइए। काम वही है, आपकी इच्छा भी पूरी हो रही है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। हाँ, खाने वाली चीजें ही खिलाना, नहीं खाने वाली चीजें मत खिलाना। तो ऐसे परमात्मा यहां पर क्या बोलते हैं कि घर नहीं बनाना चाहिए। तैसे महात्मा वृक्षा मुड़ी असावे खांड दिउली तेत भी तरी वाटा हुआ जवली ग्राम प्रांति। तो ये जो घर नहीं बनाना चाहिए,
ये सिद्धांत परमात्मा किसके लिए बता रही हैं? जो महात्मा है, जो अपने आप को महात्मा बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये चार आश्रम रहते हैं। यदि आप गृहस्थ आश्रम के अंदर हो तो आपको घर की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास घर है तो आप उसके अंदर संतोष व्यक्त कर सकते हो। तो परमात्मा यहां पर क्या कहती हैं कि सर्प के जैसे महात्मा को क्या करना चाहिए, किसी एक पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, या कोई मंदिर है जो टूटा फूटा है जहां पर देवता की प्रतिमा नहीं लगी है, ऐसे खंडहर मंदिर के अंदर जाकर वो निवास करे। लेकिन यदि उस महात्मा जी को डर लग रहा हो, भय लग रहा हो, तो परमात्मा ने उसका भी निवारण यहां पर क्या बतलाया, तो क्या करना चाहिए, जो वंजारे होते हैं, वंजारे अर्थात जो टोकरियां इत्यादि बेचते हैं, आज इस गांव में गए, कल अगले गांव में चले गए, परसों किसी और गांव में चले गए, तो ऐसे जो वंजारे हैं उनके साथ रात को जाकर सो जाओ, सुबह उठो और अपना अगले गांव के लिए चले जाओ। तो परमात्मा ने सर्प को निमित्त करके एक सन्यासी को क्या शिक्षा दी हुई है कि किसी एक स्थान पर नहीं रहना है, एक स्थान पर सन्यासी ने नहीं रहना है, ऐसी परमात्मा ने यहां पर चर्या बतलाई हुई है। अटन ते निरुदेशे करावे, अटन अर्थात एक गांव से दूसरे गांव में चलते रहना चाहिए, गांव नी गावा जावे, ये परमात्मा ने एक सन्यासी को आचरण बतलाया हुआ है। अब आप बोलोगे परमात्मा ने ये आचरण बतलाया तो आप मंदिर में क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोग समझदार हैं, पहला आक्षेप बोलने वाले के ऊपर ही आ जाता है। लेकिन परमात्मा ने दो प्रकार की विधियां बतलाई हैं, नित्य विधि और निमित्त विधि। ये जो जिस चर्या का हम श्रवण कर रहे हैं ये किस साधक की है, जो नित्य विधि का साधक है, जो केवल और केवल अपने उद्धार के लिए प्रयास में रत हुआ पड़ा है उसकी विधि है। जो निमित्त विधि के अंदर साधक है उसके लिए परमात्मा अब यहां पर ये भी बोलते हैं कि गुरु रनु गंतव्य, उपाधि मानीजे, निमित्त मानीजे, या गुरु रनु गंतव्य, गुरु के पीछे चलना चाहिए, तो जो गुरु बन गया उसे एक स्थान पर बैठना भी पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत वचन ऐसे हैं जो नित्य विधि और निमित्त विधि के अनुसार अलग अलग चर्यावंतों के ऊपर लागू होते हैं। आपन पे कवनी न लखे, आपन कवनाते न देखे, ऐसा असे सुखे सर्पू जैसा। और सांप से परमात्मा क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं कि जिस तरह सांप छिप कर रहता है, सांप कभी भी बाहर घूमता हुआ शहर के अंदर आपको नहीं दिखाई देगा, जंगल में जाओगे वहां भी कदाचित कहीं अचानक आपको सर्प दिखाई दिया तो देगा, लेकिन वास्तव में क्या है, सर्प छुपकर ही रहता है। तो जिस तरह सांप छिपकर रहता है उसी तरह साधु पुरुषों को कैसे है, एक जगह पर नहीं रहना चाहिए और छिपकर रहना चाहिए, मतलब जहां पर उस महात्मा जी को कोई भी नहीं जानता और लोग महात्मा जी को नहीं जानते, महात्मा जी उन लोगों को नहीं जानते, ऐसे स्थान पर सुखपूर्वक रहना चाहिए, ऐसे भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। माया सूत्राची डोरी, करुणी सृष्टि रची संहारी, कांतिनी जिया परी ऊर्ण तंतु। अगले गुरु के रूप में भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी मकड़ी को अपना गुरु धारण करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि सर्व संग परित्याग करके एकांत में प्रभु का जो स्मरण चिंतन नहीं करता है वो व्यक्ति कैसे है, संसार में भटकता ही रहता है। जैसे मकड़ी कैसे है, जाल बुनती है और उसी जाल के अंदर सिमट कर वो मर जाती है, वैसे ही जीवात्मा क्या करता है कि माया से प्रेरित होकर मलों की रचना करता है,
सृष्टि की रचना करता है और उसी रचना के अंदर स्वयं फंसकर मर जाता है। तेत शक्ति प्रपंचु जीव सके रचु सरूपाचा विचु जालानिने। तो जीवात्मा सृष्टि की रचना कैसे करता है, माया सृष्टि की रचना कैसे करती है, उसका विषय यहां पर ग्रहण किया जाता है कि माया के द्वारा दिए गए सामर्थ्य से जीव मलों की रचना करता है। अर्थात प्रथम सृष्टि के अंदर, अब की जो सृष्टि चल रही है इसे प्रवाहिक सृष्टि कहा जाता है, जो सबसे पहली सृष्टि हुई थी जब जीवात्मा सारे हम लोग माया के तम स्वरूप के अंदर थे और उस समय हमारी जो आत्मा है जीवात्मा, थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्योंकि ये बातें कैसी हैं ऊपर से जाने वाली हैं। तो उस समय जीवात्मा का विकास कितना है, 100 ब्रह्मांड के जितना, और अब जीवात्मा का विकास अब कितना है, 500 योजन। तो उस समय क्या है कि जीवात्मा को माया के अतिरिक्त कोई भी देवता नहीं देख सकती है। इस जीवात्मा को जो अविद्या है वो लगी हुई है, अविद्या के आधार पर जो माया देवता है वो देख रही है, दूसरी कोई भी देवता इस जीवात्मा को नहीं देख सकती। ये जीवात्मा इतना सूक्ष्म है जो मूल सृष्टि है उसके अंदर। तो अब इस जीवात्मा की अविद्या का नाश होना चाहिए, इस जीवात्मा को आनंद देना चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति परमात्मा की उत्पन्न हो जाती है। तो परमात्मा क्या करते हैं, माया को बताते हैं कि ऐसी ऐसी हमारी प्रवृत्ति हुई पड़ी है, तो अब जीवों के द्वारा मलों की रचना की जानी चाहिए। मल क्या है, हमारे शरीर के अंदर लगे हुए देवताओं के विभाग, पिंडस्थाएं भी हैं, विभाग भी है। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में प्रत्येक देवता का मल लगा हुआ है, मल अर्थात गंदगी, जिसे उद्धरण के समय निकालना भी है, अभी लगा हुआ है। जब हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी तो हम इन मलों को उतारेंगे भी। मल अर्थात कैसे कि जैसे जीवात्मा ने क्या किया, विश्व देवता का मल उसने निर्माण करना है, तो जीवात्मा को उस समय क्या आभास हो रहा है कि मैं नग्न हूं, मैं नंगा हूं, मुझे कपड़े चाहिए। तो वो क्या कहता है, उसके पास सामर्थ्य है, माया ने जीवात्मा को ताकत देकर रखी हुई है मल रचना की परमात्मा की इच्छा से। तो जीवात्मा क्या करता है, सबसे पहले विश्व से पहले माया कि चैतन्यम अहम, कि मैं माया हूं, ऐसा उसने आभास किया, उसकी पावर कम हो जाती है, उसे माया का आद्यमल लग गया। फिर वो क्या बोलेगा, विश्वमहम, कि मैं विश्व देवता हूं। फिर विश्व देवता का मल लग जाएगा, पावर कम हो जाएगी। उसके बाद वो बोलेगा अष्टधा प्रकृति रहम, कि 8 प्रकार के जो भैरव हैं वो भैरव मैं ही हूं। फिर उसका मल लगेगा, शक्ति और कम होगी। ऐसे जो 9 स्थान की देवताएं हैं उनके मल जीवात्मा ने लगाए, और जब जीवात्माओं को जैसे जैसे मल लगते गए वैसे वैसे देवताएं जीवात्मा को देखने के लिए पात्र हो गई। विश्व देवता का मल लगा, विश्व देवता ने जीवात्मा को देखना शुरू कर दिया। तो ऐसे और साथ में क्या हुआ कि धीरे धीरे उस जीवात्मा का जो व्याप था, जैसे गुब्बारा बहुत बड़ा होता है उसकी जैसे हवा निकल गई गुब्बारा छोटा हो गया, वैसे ही जीवात्मा का 100 ब्रह्मांड के जितना व्याप था वो धीरे 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 कितना रह गया, 500 योजन। इस शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है तो आत्मा का व्याप कितना है, 500 योजन रह चुका हुआ है। तो इसका ज्ञान उस समय जीवात्मा को नहीं है। तो जीवात्मा ने क्या किया, देवताओं के मल रचे। उसके बाद आगे जाकर जो देवताएं हैं, देवताओं ने जो स्थूल प्रपंच है उसकी रचना करी। जब आप संहार पढ़ोगे, संहार संसरण, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज समझाई जाएगी कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ये काम हुआ है। तो ऐसे माया के द्वारा जीवात्मा को सामर्थ्य प्रदान किया गया, और जीवात्मा ने क्या किया, जैसे मकड़ी जाला बुनती है
वैसी जीवात्मा ने अपने आप को मलों के जाले में बांध लिया। सृष्टि चिराहाटी वरोती नाही दृष्टि आपन पे घालूनी हटी भस्मानीले। तो जीवात्मा ने सूक्ष्म प्रपंच की रचना की, देवताओं ने माया ने स्थूल प्रपंच की रचना की। तो संसार में आकर जीव पाप पुण्य रूपी कर्म करने उसने प्रारंभ कर दिए और सृष्टि में आया। लेकिन जीवात्मा किस लिए सृष्टि में आया था? कि परमात्मा का परमा आनंद उसे प्राप्त हो जाए। लेकिन जीवात्मा ने क्या किया? सृष्टि में आकर पाप पुण्य कर्म आरंभ कर दिए और परमात्मा का विस्मरण हो गया। परमात्मा को जीवात्मा भूल गया। अधमति के कारण जीवात्मा पाप कर्म करता रहा। पाप कर्म करने से नरक योनियों में जाना शुरू हो गया, अर्थात जहां जाना था वहां गए नहीं, जहां नहीं जाना था उस तरफ की यात्रा प्रारंभ हो गई। परमात्मा ने एक ही प्रवृत्ति मन में पैदा की थी कि इस जीवात्मा को की जो अविद्या लगी हुई है उस अविद्या को हटाकर इसको आनंद देना है। अविद्या को हटाने के लिए देवताएं जीवात्मा को पहले देखें, उसके लिए मल लगाए गए, पिंडस्थाएं लगाई गई और पिंडस्थाएं लगाकर जीव को शरीर दिया गया। अच्छा कर्म करे, निष्काम कर्म करे, मेरी तरफ आए। लेकिन जीवात्मा ने क्या किया? निष्काम कर्म छोड़कर पाप कर्म अर्जित किए, पुण्य कर्म अर्जित किए। अधमति के कारण क्या है? नरक योनियों का अर्जन करके उस योनियों के अंदर आज तक ये जीवात्मा भटक रहा है। जीव माया मिलनी ए सृष्टि जी करनी मनोनी मिया कांतिनी गुरु के लिए। तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी क्या कहते हैं कि माया और जीव ने मिलकर इस सृष्टि की रचना करी और करते हैं। इस विषय को समझाने के लिए मैंने मकड़ी को अपना गुरु धारण किया हुआ है। मकड़ी कैसे है? विचार पर शास्त्र को बतला रही है कि स्वयं जाला बुनती है और उसी जाले में वो मर जाती है। वैसे ही जीवात्मा ने माया के सामर्थ्य से क्या किया, ये इस प्रपंच रूपी जाले को बनाया और इसी के अंदर फंसकर जीवात्मा मरते जा रहे हैं। ये गुण, ये सिद्धांत मैंने मकड़ी से ग्रहण किया है, इसलिए मैं मकड़ी को अपना गुरु धारण करता हूं। भिगुरटी जेने अर्थे मिया गुरु के लिए थे ते परिहसे विचार पथे निरधारुणी। अगले गुरु के रूप में भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी भिंगुरिटी नामक कीड़े को अपना गुरु धारण करते हैं। तो भिंगुरिटी जो कीड़ा है वो क्या करता है, ये कीड़ा कैसे रहता है? इसने दीवार के ऊपर एक मिट्टी से अपना घर बनाया हुआ है, बाहर जाता है, बाहर जाकर किसी कीड़े को डंक मारता है, उसको पकड़ लेता है और उस कीड़े को लेकर उस अपने घर के अंदर डाल देता है और स्वयं चला जाता है। ऐसी दिनचर्या इस कीड़े की रहती है। जवली उनी कीटकी भिगुरिटी तिये ते डंकी घरांतु सुनी कवती की लिंपोनी जाए। तो इस कीड़े ने क्या किया, किसी मक्खी इत्यादि को पकड़ा तो उसको पकड़कर उसको डंक मार दिया। डंक मारकर पकड़कर अपने घर में लेकर आई, घर के अंदर उसको डाल दिया और बाहर से क्या है, मिट्टी का लेप करके उसको बंद करके वो चली जाती है। ते उनी माँ घोते माते खाईल माते खाईल निरुति एने भेन ते चिंती राती देवो। अब हुआ क्या, जिस कीड़े को उसने डंक मारा हुआ था वो कीड़ा मिट्टी के घर में बंद हुआ पड़ा है और वो मन में विचार क्या करता है कि वो भिंगुरिटी दोबारा आएगी, मुझे डंक मारेगी और मुझे पीड़ा होगी।
वो कीड़ा बार बार उस चीज का चिंतन करता है। ऐसे तीते चिंतिता कीट की साली स्वरूपता, तैसे परमेश्वर स्मरता मुक्ति हुए। तो ऐसे बार बार चिंतन करने से, बार बार स्मरण करने से क्या हुआ कि उस कीड़े को भी जो पंख निकल आते हैं, जिस कीड़े को डंक मारा था घर के अंदर, जिसको बंद किया था, उसको भी पंख निकल आते हैं और वो भी क्या करता है, बाहर जाता है, दरवाजा तोड़ा और बाहर चला जाता है और वो भी उसी कीड़े के जैसे बन जाता है। अर्थात स्वरूपता। वैसे ही यदि जीवात्मा बार बार परमात्मा का चिंतन करे तो जीवात्मा के अंदर परमात्मा के गुण आ जाते हैं, जीवात्मा परमात्मा के सदृश हो जाता है, ऐसा सिद्धांत यहां पर बतलाया हुआ है। तात्पर्य कि स्मरण के अंदर कितनी शक्ति है, कि स्मरण करने से, चिंतन करने से यह साधारण सा जीवात्मा ईश्वर बन सकता है। और परमात्मा आपको क्या बतलाएं, कोई भी बनिए की दुकान वाला व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मेरे साथ बनिए की दुकान खुल जाए, कोई कपड़े वाला ये नहीं चाहेगा कि मेरे साथ कपड़े की दुकान खुल जाए, और कोई उपाधिवंत ये नहीं चाहेगा कि जो उपाधि मेरे पास है वो किसी दूसरे के पास हो जाए। लेकिन परमात्मा ये चाहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा ईश्वर बन जाए, मेरे समान बन जाए। इसलिए परमात्मा ने बार बार क्या है, स्मरण बतलाया हुआ है, चिंतन बतलाया हुआ है कि बार बार परमात्मा को याद करो, बार बार परमात्मा का चिंतन करो। तो चिंतन करने से जैसे उस कीड़े के अंदर भिंगुरीटी के गुण धर्म आ जाते हैं, वैसे ही चिंतन करने से जीवात्मा के अंदर ईश्वर के गुण धर्म आ जाते हैं। लेकिन वो जीवात्मा अन्य जीवात्माओं का उद्धार करेगा ये उसे प्राप्त नहीं होता। केवल माया और कृपा शक्ति को छोड़कर बाकी की सारी शक्तियां परमात्मा उसे दे देती है। मिया आपुलिया बुद्धि परिहसे, गुरु के ले चौबीसे मनुष्य देहे सी पंचविशे निरवालिले। तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी क्या कहते हैं कि इस प्रकार मैंने अपनी बुद्धि से 24 तत्वों को धारण करके मैंने 24 गुरु धारण किए हैं, उसके साथ मैंने 25वां गुरु भी धारण किया हुआ है। याद रखिए भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के कितने गुरु हैं, 25, लेकिन बोलने में 24 गुरु आते हैं, 24 गुरु व्याख्यान। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि से 24 गुरुओं को धारण किया है, लेकिन 25वें गुरु के रूप में मैं इस मनुष्य शरीर को धारण करता हूं। तो भगवान जी ने इस मनुष्य शरीर से क्या ग्रहण किया, मनुष्य देह गुरु तेत चा उगड़ विचारू तो सांगे न किवी भास्करू श्रोते आंसी। तो भास्कर भट्ट बोरीकर क्या कहते हैं कि मनुष्य शरीर को गुरु माना है, इसका विचार तो स्पष्ट है, यह श्रोताओं को भास्कर कवि बतला रहा है। अर्थात कवियों की एक विशेष परंपरा रही है, एक विशेष पद्धति रही है कि कवि बार बार काव्य के अंदर अपने नाम का उल्लेख करते हैं। आज भी आप किसी भी गाने को सुन लीजिए, आप किसी भी भजन को सुन लीजिए, किसी भी कविता को सुन लीजिए, उसके अंत में कविता को लिखने वाले का नाम अवश्य आता है। तो यहां पर जो कवि हैं वो क्या है, आत्म प्रशंसा उनको प्रिय है, इसीलिए वो क्या कहते हैं कि मनुष्य देह को गुरु माना है, इसका विचार तो स्पष्ट है, यह श्रोताओं को भास्कर कवि बतला रहा है। अर्थात मैं कवीश्वर भास्कर भट्ट बोरीकर आप सबको बतलाता हूं। परियसे मही पाला कवनी न मनावा आपुला ए अर्थी पंचविसावा मज गुरु जाला शरीरे। तो
तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी क्या कहते हैं कि हे महीपाल, हे राजा यदु, ध्यान पूर्वक सुन। परमात्मा ये क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका उस श्रोताओं का मन कहीं विचलित ना हो जाए, कथा सुनते सुनते कहीं घर ना पहुंच जाए, कहीं खड़ी की तरफ ना चले जाए। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि हे राजा यदु, ध्यान पूर्वक सुन। शरीर में किसी को अपना ना समझें। इस संसार में क्या है, शरीर को ध्यान में रखते हुए कभी किसी को अपना नहीं समझना चाहिए। यदि ये शरीर ही अपना नहीं हुआ, हम सबके नजदीक क्या है, ये शरीर, यदि ये शरीर ही अपना नहीं हुआ तो संसार के रिश्तेदार अपने कैसे हो सकते हैं। ये गुण मैंने शरीर से धारण किया है, इसीलिए इस मनुष्य शरीर को मैं अपना गुरु धारण करता हूं। ये भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। हे तेरा मासी वैर चाली अहर्निशी, सवे चोर लागले आंगे सी इंद्रिय पे। अब परमात्मा इंद्रिय और शरीर के विषय को ग्रहण करते हुए क्या कहती हैं कि यह शरीर दिन रात मेरे साथ दुश्मनी करता है। इस शरीर के साथ क्या है, इंद्रिय रूपी चोर जुड़े हुए हैं। पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, ग्यारहवां मन, चार चातुष्टय, ये सारे चोर इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। और ये शरीर कैसे है, मेरे साथ दुश्मनी करता है, क्योंकि कार्य करता है शरीर, भोगना पड़ता है आत्मा को। इसलिए परमात्मा क्या बोलते हैं कि ये शरीर कैसे है, मेरा दुश्मन बन बैठा हुआ है, करने वाले काम से मुझे दूर भगाता है, नहीं करने वाले काम की तरफ मुझे भगाता है। इसलिए ये शरीर कैसा है, दुश्मन, और इंद्रिय कैसे हैं, चोर की न्याई जो मुझे लूटने में लगी हुई है। हे मन चोरटे अनुराग ससरे तिकटे, घोना रीति चोर वाटे मन मथाचिया। और भगवान जी मन को विषय बनाकर क्या कहते हैं कि यह मन बड़ा भारी चोर है, जिसके पास तेज धार के अनुराग रूपी शस्त्र हैं। मन के पास कौन सा शस्त्र है, अनुराग का, राग का, आसक्ति का। मन आसक्त हो जाता है, इंद्रियां अपना कार्य करती हैं और मन उस चीज में आसक्त हो जाता है और जीवा रूपी चोरों के रास्ते मनुष्य को घायल कर देता है। इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करती हैं और मन आसक्त हो जाता है, आसक्त होकर क्या करता है, मनुष्य को पाप कर्म करने में उद्यत करता है और मनुष्य उस पाप कर्म को करके घायल हो जाता है। तारुण्याची पाहाट पटी इंद्रिय खेती विख्यांची दारटी, पापाचा लागू पावे सेवटी आत्मयावरी। और भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी क्या कहते हैं कि जवानी रूपी प्रातः पर प्रहर के समान विषय भोग के पदार्थों पर इंद्रियां डाका डालती हैं। कि मनुष्य जब अपनी जवानी के अंदर होता है, उस समय क्या है, ये इंद्रियां उसे ऐसे अपने वश में कर लेती हैं कि किसी भी प्रकार से जीवात्मा उनसे बच नहीं सकता। जैसे किसी ने डाका डाला हुआ है, वो जीवात्मा बंधन में पड़ा हुआ है, वैसे ही ये इंद्रियां क्या करती हैं, जब मनुष्य अपनी यौवन अवस्था के अंदर होता है तो उस अवस्था के अंदर क्या है, ये डाका डालकर उस जीवात्मा को पाप कर्म में लगाती हैं। अंत में पाप का लेप कैसे है, आत्मा को लगता है, अर्थात शरीर के ऊपर डाका डाला, कार्य शरीर ने किया, इंद्रियों ने विषय को ग्रहण किया, मन आसक्त हुआ, कार्य शरीर ने कर दिया और बंधन लग गए आत्मा को। इसीलिए यह शरीर कैसा है, बंधन रूपी शरीर है, और इंद्रिय कैसे हैं, चोर रूपी इंद्रिय हैं, और मन डाका डालने वाला व्यक्ति यहां पर कहा गया हुआ है।
त्या भक्ता नीजे नीजे कुंभी पाका मग अनेगी जाचनुका चंबी जी। हाँ, तो उसके बाद होता क्या है, सभी ने अपना अपना कार्य कर दिया, जीवा शरीर ने पाप कर्म किए, उसके बाद की स्थिति का वर्णन करते हैं कि उन पाप कर्मों के फल स्वरूप आत्मा को यमदूत ले जाते हैं और क्या करते हैं, कुंभी पाक नामक नरक में डालते हैं। कुंभी पाक नरक किसे कहा जाता है कि एक बहुत सारा बर्तन रखा हुआ है, उस बर्तन के बीच में जितना मल मूत्र है, जितनी गंदगी है, उस गंदगी को उस बर्तन में डाला हुआ है, नीचे अग्नि जलाई हुई है और उसके अंदर जीवात्माओं को डाला गया है, उसे कहा जाता है कुंभी पाक। कुंभ के अंदर डालकर पकाया जाता है। जो लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें इस कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। जिसने जाना हो अवश्य ग्रहण कीजिए। और अनेक प्रकार से आत्मा को कष्ट भुगवाया जाता है। और ये नरक कैसे हैं, 12 साल का एक नरक कहा जाता है और ऐसे 12 नरक हैं, 144 साल नरक भुगवाए जाते हैं। अब समय की सीमा आपको बतलाता हूं, आपका मन उदास हो चुका है या आपको सिर में दर्द हो रहा है या आपको कोई भी वेदना हो रही है, तो आपका वो समय कैसे व्यतीत होता है, होता ही नहीं, ऐसे लगता है कि समय रुक सा गया हुआ है। और जब ये नरक भुगवाए जाते हैं तो उस जीवात्मा का एक क्षण उसे एक युग के बराबर लगता है। और क्या होता है, वो शरीर भी कैसा है, यातना देह, इस शरीर को कष्ट हुआ, सहन नहीं हुआ, बंदा मर गया, छुटकारा हो गया। लेकिन वो शरीर कभी मरता नहीं, क्योंकि वो कैसे है, ते बाई ते यातना देह की, उसको यातना देह दिया हुआ है, वो मरता है, जीवा देवताएं फिर उसे देह देती हैं, वो मर जाता है, फिर देह देती हैं, वो मर जाता है, फिर देह देती हैं। इसीलिए ऐसे 12 भेदी नरक हमारे शास्त्रों के अंदर आए हैं। जब निर्णय का हम अध्ययन करेंगे तो उस समय हम इन चीजों का अध्ययन करेंगे। जैसे पानी पिए घड़ी वटे, घाव घाली जे जे घटे, देवी इंद्रिय खाती अर्धटे, नरक आत्मा होगी। तो यहां पर पुराने समय के उदाहरण देकर इस सिद्धांत को समझाया जा रहा है कि पुराने समय में क्या था कि एक समय को जानने के लिए यंत्र बनाया जाता था। एक पानी का कोई बहुत बड़ा बर्तन है और उस बर्तन के अंदर एक कटोरी रखी हुई है और उस कटोरी को छिद्र किया हुआ है, तो धीरे धीरे करते करते वो कटोरी कैसे है, पानी से भर जाती है। और जब वो पानी से भर जाती है तो लोग कहते हैं कि एक घंटा बीत गया। पुराने समय में समय देखने का एक ये प्रकार था। और दूसरा, वहां पर एक घंटी टांग दी जाती थी, जब पानी भर जाता था, पानी भरने के बाद उस कटोरी को खाली किया जाता था और घंटी को ठोक दिया जाता था कि ये कैसे है, एक घंटा व्यतीत हो गया, ऐसा समय देखा जाता था। तो ये न्याय देकर कवि क्या समझा रही है कि कटोरी को पानी पीने के लिए मिलता है और उस घंटी को मार खाने के लिए मिलती है, उसी तरह ये जो शरीर है विषयों को भोगता है और आत्मा मार खाती है। जैसे उस कटोरी को पीने के लिए पानी मिला, वैसे शरीर को भोगने के लिए उपभोग मिले, पदार्थ मिले, उस घंटे को ताड़न मिला, डांट मिली, उसी तरह इस आत्मा को भी क्या है, ताड़न मिलता है, फटकार मिलती है, ऐसा सिद्धांत यहां पर समझाया जा रहा है। महापापेसी हाथ खोड़ा, घाली जे जियाचिया चाड़ा, तो दारा दी वर्गु वैराड़ा, ये नी आत्मनेसी।
और भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी क्या कहते हैं कि जिन स्त्री पुत्र आदि के लिए मनुष्य हिंसा आदि पाप कर्म करता है, उनके हाथ बंधता है, वे ही रिश्तेदार इस आत्मा के साथ दुश्मनी करते हैं। क्योंकि कोई ना कोई एक समय ऐसा अवश्य आता है कि रिश्तेदार छोड़कर चले जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इसका अनुभव है। ये हमारा रिश्ता कब तक है? जब तक हमें आवश्यकता है। हमारा कोई स्वार्थ पूरा हो रहा है, जब स्वार्थ समाप्त हो गया उसी समय शारीरिक रिश्ता भी समाप्त हो गया और भोगने के लिए आत्मा शेष बची रहती है। एवड़ी कुला चलाची आटी काड़ी जी जया साटी ते शरीर नवहे सेवटी आपुले पे। तो भगवान जी से शरीर को उदाहरण देकर, शरीर का उदाहरण देकर क्या कहते हैं कि इतनी खींचा तानी जिस शरीर के लिए की जाती है, वह शरीर भी अंतिम समय में साथ नहीं देता है, अंत में उसका भी त्याग करना पड़ता है। यह शरीर भी क्या है? हमारा नहीं है, तो रिश्तेदार हमारे कहां से हो जाएंगे? इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं, मनोनिया चरा चरा ईश्वरु एकु सोयरा जो राखे घोर अंधारा नरका पासुनिया। तो इसीलिए इस चराचर जगत के अंदर ईश्वर ही जीवात्मा का सच्चा साथी है। परमात्मा क्या समझाना चाहते हैं कि हे जीवात्माओं, ये शरीर और रिश्तेदार तुम्हारे नहीं है, केवल एक परमात्मा ही तुम्हारे हैं जो इस आत्मा को भयंकर नरकों से बचा सकती है। यदि नरक जोड़ लिए तो यदि आप परमात्मा को बोलोगे कि देव माझा मी देवाचा, कि हे प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हो, एथिचिया होइजो की, जब आप परमात्मा के हो जाओगे तो आपको नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। परमात्मा के अतिरिक्त और किसी तत्व के अंदर, देवताओं के अंदर इतनी समर्थता नहीं कि आपको नरक रूपी अंधकार से बचा सके। इसीलिए परमात्मा यहाँ पर शरीर को लक्ष्य करके क्या समझाते हैं, प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, अपना मानना है तो परमात्मा को मानो, अपने से किसी का संबंध जोड़ना है तो परमात्मा से संबंध जोड़ो। इसके अतिरिक्त संसार में दूसरी शाश्वत वस्तु कोई भी नहीं है। तरिया ताराया या जीविता च्या लाया हे मनुष्य देहवाया तू जाओ निधि। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि इसलिए हे राजा यदु, जब तक यह शरीर जीवित है, हमारे पास समय कितना है, जब तक ये शरीर जिंदा है, उसके बाद एक सेकंड भी हमारे पास समय नहीं। आप बोलोगे कि रुको, हम कुछ लेना देना कर ले परमात्मा से, कुछ लेना देना कर ले संसार से, लेना देना कर ले, एक सेकंड का समय भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए जब तक ये शरीर जीवित है तब तक इस मनुष्य देह को सार्थक बनाओ। अब मनुष्य देह सार्थक कैसे बनेगा? क्या अपनी सोसाइटी को देखकर, कि हम अपनी सोसाइटी को देखें कि वो तो मौज मस्ती करता है, हम भी मौज मस्ती करें, तो क्या ऐसा जीवन जीना चाहिए? कभी आज तक मैंने ये बात नहीं सुनी कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन ऐसा था, ऐसा जीवन जीना चाहिए, या हमारे गुरुजनों का ऐसा जीवन था। हमारे गुरुजन सुबह 3 बज के उठते थे, हम भी उठकर देखें कैसा लगता है, हमने, मैंने आज तक नहीं सुना। बच्चों के मुख से यह अवश्य सुना कि वो स्त्री मदिरा पान करती है, मैं भी मदिरा पान करके देखूंगी, ये चीज अवश्य सुनने के लिए मिलती है। लेकिन परमात्मा हम सबको बार बार यही चीज समझाते हैं कि अपने मनुष्य देह को सार्थक करो। लोग क्या करते हैं, पहले उसको टटोलो कि कहां तक वो सही जा रहा है, उसका कार्य
कहां तक किस सीमा तक सही है उसको टटोलो, फिर अपने आप को टटोलो, क्या मेरा ये काम है। अगला व्यक्ति कसाई है, वो किसी बकरे को मारने का काम करता है। आप बोलोगे यार ये काम बड़ा अच्छा है, मैं भी करने का प्रयास करूं। याद रखो वो काम आपके लिए नहीं है, पहले उस कार्य को देखो, उस कार्य को देखने के बाद अपने आप को देखो और अपने इस मनुष्य देह को सार्थक बनाओ, कहीं ये शरीर व्यर्थ ना चला जाए। आपसे मैंने निवेदन किया था कि ये शरीर यदि हम द्रव्य संपत्ति को इकट्ठे करने में लगे रहे तो ये शरीर व्यर्थ चला जाएगा। यदि नामस्मरण नहीं किया, संतों को भोजन नहीं करवाया, सेवा नहीं की, कथा का श्रवण नहीं किया, निधि ध्यासन नहीं किया तो हमारा शरीर व्यर्थ चला जाएगा। आप सिकंदर की तरफ देखिए, क्या ऐसी कोई इच्छा होगी जो सिकंदर ने पूरी ना की हो। सिकंदर इतना बड़ा राजा होकर गया, क्या उसकी कोई इच्छा बाकी बची होगी। यदि बची है तो हमारी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है। इतने बड़े बड़े राजा होकर चले गए, इतने बड़े बड़े उपभोग उन लोगों ने ले लिए, तब जाकर उनकी इच्छा शांत नहीं हुई। हम तो कोई राजा है ही नहीं, हम कैसे अपनी इच्छाओं को शांत कर लेंगे। इसलिए अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाना है, सर्व संग परित्याग करके ईश्वर की अनन्य गति शरण होकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है, ऐसा परमात्मा यहां पर बतला रहे हैं। देशो देशी हरि नाचे दड़े, परी कस्तूरी मृग न जोड़े, वनो वने चांपे जिया झाड़े, परी नाही पार्यति को। तो क्या अपने जीवन को सार्थक करने वाले मनुष्य बहुत सुलभ होंगे। जहां तहां देखो वो मनुष्य आपको मिल जाएंगे, वो इतने सुलभ हैं। परमात्मा कहते वो सुलभ नहीं है। कैसे, जैसे प्रत्येक प्रदेश के अंदर आपको बहुत सारे हिरण मिल जाएंगे, लेकिन जिस हिरण की नाभि के अंदर कस्तूरी है वो हिरण आपको सहसा नहीं मिलेगा। जंगल में जाओ, वहां पर चांपे के पेड़ आपको प्रत्येक जंगल में मिल जाएंगे। आप जाकर देखो, सहसा चमेली और चंपे के जो पेड़ है वो आपको, फूल जो है वो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन पारियातक का जो वृक्ष है वो आपको किसी एक जंगल के अंदर जाकर मिलेगा। वैसे ही जो जीवात्मा अपने देह को सार्थक करता है वो मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, यदतामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति। तत्वतः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गीता में क्या कहते हैं कि हजारों में कोई 100 होंगे जो चलेंगे, उन 100 के अंदर कोई एक होगा जो मुझे जानकर मुझे प्राप्त कर लेगा। तो हमने किस कैटेगरी के अंदर आना है हमें जानना चाहिए। हमने अपने जीवन को व्यर्थ कर देना है कि हमने अपने जीवन को सार्थक बनाना है, ये कार्य जीवात्मा का है। इसलिए परमात्मा उद्धरण प्रकरण के अंदर क्या कहते हैं, मग एक अनुसरेति एक ननुसरेति। परमात्मा क्या कहते हैं, मग अर्थात इतना ज्ञान सुनने के बाद एक जीवात्मा अनुसरण ले लेता है, एक जीवात्मा अनुसरण नहीं लेता। मतलब परमात्मा ने हमें स्वतंत्र कर दिया कि नाम लेने के लिए तुम स्वतंत्र हो, संन्यास लेने के लिए तुम स्वतंत्र हो। यदि परमात्मा कहते कि एक अनुसर्विति एक ननुसर्विति, कि मैं एक जीवात्मा को अनुसरण देता हूं एक जीवात्मा को अनुसरण नहीं देता हूं, तब जाकर हम बोले कि परमात्मा की इच्छा है परमात्मा नाम दे देंगे तो ले लेंगे, परमात्मा की इच्छा है परमात्मा संन्यास दे देंगे तो ले लेंगे, परमात्मा नाम देंगे तो ले लेंगे, ऐसे नहीं। परमात्मा ने क्या किया, अपना कार्य कर दिया। जैसे आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो, तो कपड़ा खरीदने के लिए जाओगे तो वो व्यक्ति क्या करता है, कपड़े को आपकी तरफ फेंक देता है। अब उस कपड़े को लेना या ना लेना
आपके हाथ में है, उसने वो वस्त्र आपको दे दिया। वैसे ही परमात्मा ने ज्ञान आपको दे दिया, उस ज्ञान को लेना, उसके अनुसार चलना या उसके अनुसार नहीं चलना, ये आपका कर्तव्य है। तो इसलिए अपने कर्तव्य को समझकर प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।